हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल रीड आर नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम सिविक्स ऑन इक्वलिटी इक्वलिटी मीन्स इक्वल समानताएं ये चैप्टर हम सामाजिक से रिलेटेड सोसाइटी से रिलेटेड पढ़ेंगे बिफोर वी स्टार्ट द लेसन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो टू चेक योर आई क्यू ऑन इक्वलिटी एंड डिग्निटी डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट राइट अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ इक्वलिटी यू फील आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन ऐसे इक्वलिटी के बारे में बताना है जो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है वेर वेयर कैन वन अपील केस ऑफ वायलेशन ऑफ़ राइट्स प्रोवाइडेड बाई द कंस्टिट्यूशन कंस्टिट्यूशन ने जो हमें इक्वलिटी प्रोवाइड की जो हमें राइट्स प्रोवाइड किए अगर कोई उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है तो हम उसकी अपील कहाँ कर सकते हैं कैन यू रिकॉल एनी इंसिडेंट इन योर लाइफ वैन योर डिग्निटी वॉज़ वायलेटेड क्या तुम्हें अपनी लाइफ से कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट याद करना है जिससे तुम्हें लगता है कि तुम्हारी डिग्निटी तुम्हारी रिस्पेक्ट को वायलेट किया गया है हाउ डिड यू फील अबाउट इट इंडिया इज अ डेमोक्रेसी इंडिया इज अ डेमोक्रेसी इंडिया में क्या है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र लोकतंत्र मीन्स लोगों का तंत्र ऐसी सरकार ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुनी गई है जिसको लोगों ने चुना है एंड वो सरकार सिर्फ लोगों के लिए ही काम करती है तब हम बोलते हैं डेमोक्रेसी एज वी ऑल नो द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंक्लूड पीपल्स participation, द रेजुलेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड equality एंड जस्टिस जब हमने डेमोक्रेसी का मतलब ही बता दिया ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है तो मीन्स उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन है ही कि कुछ भी काम हो रहा है तो उसमें पीपल का पार्टिसिपेशन सबसे पहले जो भी कन्फ्लिक्ट जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना इक्वलिटी प्रोवाइड करना जस्टिस प्रोवाइड करना जस्टिस मीन्स न्याय इक्वलिटी इज़ द बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी अगर डेमोक्रेसी की बात करें और वहाँ पे अगर इक्वलिटी नहीं है तो वो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं होती है क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों को इक्वल रखना लोगों में किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं करना उन और उनको जो वो बोलना चाहते हैं वो जो करना चाहते हैं उनमें उनको पूरा का पूरा हक होना चाहिए एंड इट इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग इन दिस चैप्टर वी विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी वोट इट इज़ why इट इज़ important इन डेमोक्रेसी एंड वेदर और नॉट everyone is इज़ इक्वल इन इंडिया इक्वल राइट टू वोट jab जब हम इलेक्शन देने जाते हैं जब हम वोट देने चाहते हैं तो वहाँ पे भी हमें इक्वल राइट right होना चाहिए चाहे हम किसी भी कास्ट के हैं चाहे हम किसी भी स्टेट के हैं चाहे हम किसी भी लैंग्वेज uh, के हैं या हम अमीर हैं गरीब हैं हम सबको इक्वल वोट देने का चांसेस मिलना चाहिए जो भी इंसान 18 इयर्स का हो जाता है उन सबको हमारे देश में वोट करने का हक है वो वोट करते हैं इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री सच एस इंडिया ऑल एडल्ट एडल्टस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन चाहे किसी भी धर्म के हो देयर लेवल ऑफ एजुकेशन चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों चाहे पूरे उन्होंने पूरा पढ़ाई कर लिया होगा पी कर लिया होगा या फिर उन्होंने सिर्फ फिफ्थ पास किया हो सब लोगों को वोट करने का हक है देयर कास्ट एंड देयर फाइनेंशियल स्टेटस आर अलाउड टू वोट दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि जिन लोगों ने भी जिन लोगों ने भी एटीन ईयर क्रॉस कर लिया है वो वोट दे सकते हैं एंड इट इज़ एन इसेंशियल आस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज द आइडिया ऑफ़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी बिकॉज इट इस स्टेड दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटीज शी ही बिलोंग्स टू हैज़ वन वोट और उन वो लोग चाहे कहीं से भी हो चाहे किसी भी कास्ट के हो उन लोगों को इक्वलिटी होनी चाहिए वोट देने की एंड वन पर्सन इक्वल टू वन वोट वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी देर आर मेनी पीपल्स हु लिव इन इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर माना कि हमारी सरकार ने हमें इक्वलिटी दिया है इक्वल वोट करने का दिया है लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी बहुत सारा अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है जहाँ पे लोगों को इक्वल नहीं देखा जाता है वहाँ आज भी लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है अपार्ट फ्रॉम बींग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इन इक्वलिटी इन डिफरेंट अदर वे द फॉलोइंग टू स्टोरीज गिवन बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस मोर क्लियरली दीज आर द रियल स्टोरीज एंड बोथ टेलर्स लोट अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनक्वलिटीज डेट एग्जिस्ट इन इंडिया इस बुक में इस चैप्टर में अभी हम दो स्टोरी पढ़ेंगे जिससे पता चलेगा हमें कि आज भी हमारी सोसाइटी में अनइक्वलिटी प्रिवेल करती है मीन्स आज भी अनइक्वलिटी है द कास्ट सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनक्वलिटी फाउंड इन इंडिया अगर इंडिया में हम अनइक्वलिटी की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा है हमारे कास्ट सिस्टम में और आप अगर कहीं पर भी जाते हो तो वहाँ पे आपसे ये नहीं पूछेंगे आपका नाम क्या है आपका जॉब क्या है सबसे पहले पूछेंगे आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं अच्छा आपकी कास्ट सेम मैं मेरी भी कास्ट ये, तो मीन्स आज भी हमारी सोसाइटी में कास्ट को ऊपर माना जाता है हर चीज़ से कम हेयर द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल एज वी ऑल नो दलित इज द टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ ये जो पहली स्टोरी है वो एक ऐसे बच्चे की है जो दलित कास्ट से बिलोंग करता है एंड दलित कास्ट हमारी सोसाइटी में एक लोअर कास्ट मानी जाती है जैसे आप में पढ़ा होगा क्षत्रिय ब्राह्मण वेश्या शूद्र तो शूद्र को उस टाइम सबसे छोटी जाति मानी जाती थी तो इस टाइम पे दलित को सबसे ज़्यादा छोटी लोअर कास्ट मानी जाती थी और लोग इन लोगों के साथ उठना बैठना कमी करते थे इवन जो सामाजिक चीजें थे समाज में जैसे ट्यूबवेल होना वेल होना मंदिर होना यहाँ पे भी इनको आने से मना कर देते इनके साथ भेदभाव किया जाता था द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दलित इज ब्रोकन दलित का मीनिंग होता है ब्रोकन एंड बाई द यूज ऑफ दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना ये स्टोरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था ऑटोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा लिखना क्योंकि ये राइटर थे और इनका जो बुक था वो था जो जुठन इसमें ये बताते हैं कि जब ये यंग थे जब ये स्कूल जाते थे तब ये स्कूल में क्लास में सबसे अलग बैठा करते थे इवन कभी कभी तो इतने दूर इनको बिठा देते थे कि जहाँ पर चटाई आती है वो भी कम पड़ जाती थी और इनको नीचे बैठना होता था, था और सम टाइम आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबडी और कई बार इनको सबसे पीछे बैठना पड़ता था इवन द डोर के पास दरवाजे के जस्ट पास समाइम दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न कई बार इनको फालतू में मार भी देते थे इवन टीचर जो टीचर थे जो बच्चे थे वो इनको फालतू में मारते थे क्यों क्योंकि ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे वेन प्रकाश वॉज इन क्लास फोर्थ द हेड मास्टर आज हिम टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड जब ये फोर्थ क्लास में पढ़ते थे तो इनके हेड मास्टर ने इनसे कहा कि तुम स्कूल की और प्ले ग्राउंड की सफाई करो जबकि उनका स्कूल बहुत बड़ा था उनका प्ले ग्राउंड बहुत बड़ा था ही राइट्स द प्ले ग्राउंड वॉज वेरी लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक फिज़िक का मतलब होता है द साइज एंड शेप ऑफ अ पर्सन अबाउट द बॉडी कि जब इनको बोला प्ले ग्राउंड प्ले ग्राउंड को साफ करना है तो इन्होंने बताया कि प्ले ग्राउंड इतना बड़ा था कि मेरे बस की बात ही नहीं थी मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ कुड आई हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट माई बेक बिगेन टू एक इनका जो बेक था पीठ दर्द करने लगे माई फेस वॉज कवर्ड विथ डस्ट डस्ट हैड गोन इनसाइड माई माउथ द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर्सटेंग एंड आई वॉज स्विपिंग इनके क्लास जो इनके क्लासमेट्स थे वो सब अंदर पढ़ रहे थे और ये बाहर सफाई कर रहे थे हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर इनके हेड मास्टर इनको देख रहे हैं आराम से कि काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और ये इतना थक गए थे कि इनको प्यास लगे फिर भी इनको पानी पीने की इजाज़त भी नहीं थी आई स्वेफ्ट द होल डे

और ये तब खत्म हुआ जब एक बार उनके फादर ने अचानक से उनको देख लिया कि मेरा बेटा यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहा है जबकि ये यहाँ पे काम कर रहा है सो so, ही सन स्वीपिंग द फ्लोर ऑफ द स्कूल ही केम अक्रॉस द टीचर एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड वो स्कूल में आए टीचर के सामने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा अपनी आवाज को उठाते हुए कहा ही सेड इन अ स्ट्रांग वॉइस फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर यू आर अ टीचर सो आई एम लिविंग नाउ बट रिमेंबर दिस मच मास्टर ही विल स्टडी राइट हीयर इन दिस स्कूल एंड नॉट जस्ट हिम बट देर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम उन्होंने बड़े ही आवा, जो आवाज जोसीली आवाज़ में बोला कि आप लोग टीचर हों आप अध्यापक हों इसलिए मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूँ मैं आपको छोड़ रहा हूँ लेकिन देखना आज सिर्फ मेरा बेटा ही यहाँ नहीं पढ़ेगा ऐसे बहुत सारे लोग आए आएंगे जो इस स्कूल में पढ़ेंगे तो

And is commonly seen in the most part of the country. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari. आप नाम से ही पता चल रहा है Mr. and Mrs. Ansari, who were looking for a rented apartment in the city. अब वो एक सिटी में गए रहने के लिए वहाँ पे उनका खुद का घर नहीं है इसलिए वो वहाँ पे रेंट पे एक अपना घर लेना चाहते हैं रेंट में मीन्स किराए पे. एज द हैड द मनी क्योंकि उनके पास पैसे वो केपेबल है कि वो रेंट पे घर ले सकते हैं सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम दे अबाउट दे अप्रोच अ प्रॉपर्टी डीलर टू ऑप्टेन असिस्टेंट टू फाइंड अ प्लेस द डीलर टोल देम दैट ही न्यू अबाउट सेवरल अपार्टमेंट देट वर अवेलेबल ऑन रेंट उन्होंने एक डीलर से बात की कि उनको अपार्टमेंट दिलाएं और उस डीलर ने उसे कहा कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं बहुत सारे अपार्टमेंट्स में मैं जानता हूँ जो अवेलेबल है रेंट के लिए एज दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट द अंसारी liked it very much and decided to take it however when the landlady came to know their names she made an excuse that she could not rent the house to someone who ate meat because the entire building did not have any non vegetarian resident जब मिस्टर एंड मिसेस अंसारी एक अपार्टमेंट में गए और उनको वो अपार्टमेंट बहुत पसंद आया और उन्होंने फाइनलाइज कर लिया कि यस हम यही अपार्टमेंट लेंगे लेकिन जैसे ही लैंडलेडी को पता चला इनके नाम तो वो उसने एक्सक्यूज़ कर दिया कि नहीं मैं तो अपना घर रेंट पे नहीं दे सकती जो मीट मच्छी खाते हों क्योंकि इस अपार्टमेंट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो नॉन वेजिटेरियन है बोथ द अंसारीज एंड प्रॉपर्टी डीलर्स वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कोड स्मेल फिश बींग कूड जैसे उन लोगों ने सुना कि ये लेडी इस रीज़न से मुझे मना कर रही है कि हम मीट खा रहे हैं तो मैं तुम्हें घर नहीं दूंगी जब उन्होंने स्मेल किया उनको पता उन्होंने देखा कि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी स्मेल आ रही है फिश बनने की मतलब यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन है द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट प्रोबली दे माइट वॉन्ट टू चेंज दे नेम एंड कॉल देम मिस्टर एंड मिसेज कुमार फिर उनके प्रॉपर्टी डीलर ने क्या बोला कि ऐसे तो आपको कोई घर नहीं देगा आप अपना नाम ही चेंज कर लो मिस्टर एंड मिसेस कुमार द अंसारी डिड नॉट एग्री टू डू दिस एंड डिसडेड टू लुक फॉर सम मोर अपार्टमेंट लेकिन उसने मिस्टर अंसारी ने मना कर दिया कि नहीं मैं अपना नाम चेंज नहीं करूँगा मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा और उन्होंने अलग अपार्टमेंट देखना शुरू कर दिया और लास्ट में उनको एक अपार्टमेंट मिल जाता है रेंट पे रेंट पे जिसे वो ले लेते हैं रेंट के तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि देखो किस तरीके से आज भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है आज भी अन है स्टूडेंट्स in next video we will continue our next topic from recognizing dignity